हेलो स्टूडेंट्स माय सेल्फ सी पी भार्गव असिस्टेंट प्रोफेसर सीएसआईटी डिपार्टमेंट आज हम यहाँ पर एओ स्टार एल्गोरिथम को डिस्कस करने वाले हैं सो दिस इज़ द लेक्चर नंबर थर्टीन इन द यूनिट वन एओ स्टार एल्गोरिथम से पहले हमने ए स्टार एल्गोरिथम को स्टडी किया हुआ है ए स्टार एल्गोरिथम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमने देखा था कि हमारा जो सर्च ट्री था उसमें हमने जितने भी नोड्स थे वो और कनेक्टिविटी के साथ जुड़े हुए थे हम ए स्टार एल्गोरिथम का फुल फॉर्म देखें तो ए माने एंड ओ माने और तो यहाँ पर जो नोड्स की कनेक्टिविटी है सर्च ट्री के अंदर वो एंड और इस कनेक्टिविटी के साथ ये जुड़े हुए हैं इसको हम देखने वाले हैं तो सबसे पहले हम देखें तो अभी जो हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं मीन्स ए स्टार ए ओ स्टार तो इनको हम इनफॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम की कैटेगरी में रखते हैं इन्फॉम सर्च में क्या होता है हमारे पास पर्टिकुलर कुछ नॉलेज होता है जो कि डिस्टेंस टाइम एनर्जी मनी इनके फॉर्म में रहता है मीन्स हमको गोल स्टेट तक कितना समय लग रहा है या हाउ मच यू रिक्वायर द एफर्ट टू रीच द पर्टिकुलर गोल नोट तो इस तरीके से हम देखें तो इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिथम वर्क करती हैं विथ देयर नॉलेज तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ये जितनी भी एल्गोरिथम यहाँ स्टडी कर रहे हैं वो एक इम्प्रूमाइज वर्जन में हम देख रहे हैं दैन यहाँ पर हम ए स्टार एल्गोरिथम को पर्टिकुलरली स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखें इसके प्री तो प्रीरिक्विसाइट में अगर बात करते हैं तो हमें जो बेसिक नॉलेज एल्गोरिथम का होना चाहिए देन नॉलेज अबाउट द इंफॉर्म सर्च एल्गोरिथम्स लाइक हिल क्लाइंबिंग बेस्ट फॉर सर्च ए स्टार एलगोरेथम एंड नाव यहाँ पर हम इसके आगे की बात कर रहे हैं ए ओ स्टार एलगोरेथम के बारे में देन हम देखेंगे प्रॉब्लम रिडक्शन क्या होता है इसके बाद हम एंड और ग्राफ को देख स्टडी करेंगे देन पर्टिकुलर ए स्टार एलगोरेथम को देखेंगे देन उसका एक एग्ज़ाम्पल यहाँ देखेंगे नेक्स्ट उसका कैसे एग्जीक्यूशन होता है उसको यहाँ डिस्कस करेंगे तो देखते हैं सीरीली सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉब्लम रिडक्शन व्हाट इज़ प्रॉब्लम रिडक्शन अगर मैं रियल वर्ल्ड में बात करूं तो हमारे पास कई स्मॉल प्रॉब्लम्स होती हैं और कई लार्ज प्रॉब्लम्स होती हैं ओके okay. देन हमको कोई अगर लार्ज प्रॉब्लम को सॉल्व करना है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कंप्यूटर साइंस में अगर बात करूँ तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विद द एंथ टर्म्स तक अगर हम बात करते हैं एंथ मैट्रिक्स तक तो अगर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ये सिंपल देखने में तो आपको लग रहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो आसान बट कंप्यूटर साइंस में हम जितने भी जो कैलकुलेशंस करते हैं यूजिंग मैट्रिक्स मेट्राइसिस करते हैं मेट्राइसिस में हम डेटा को लेते हैं देन इन मैट्रिक्स को हम जब कंप्यूट करते हैं तब तो हम देखते हैं कि ये बिग और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तो इस बिग और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को हम प्रॉब्लम रिडक्शन के थ्रू सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम रिडक्शन में क्या होता है कि पर्टिकुलरली जो भी एक बिग प्रॉब्लम है उसको स्मॉल प्रॉब्लम्स में हम डिवाइड करते हैं देन इन जो स्मॉल प्रॉब्लम्स को हम कंप्यूट कर, कर उनको मर्ज कर कर हम फाइनली जो हमारा बिग प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन हम अचीव कर लेते हैं तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम रिडक्शन को देखते हैं देन प्रॉब्लम रिडक्शन में प्लानिंग हाउ बेस्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम दैट कैन बी रिकर्सिवली डिकम्पोज इन टू सब प्रॉब्लम इन मल्टीपल बेस एंड नाव अब हम देखते हैं एंड और जो पर्टिकुलर जो टर्म्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं जैसा मैंने आपको बताया अभी सो द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड द सब प्रॉब्लम देयर एग्जिस्ट टू काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स सो देअर इज़ ए रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप एंड और रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप में क्या करते हैं आपकी जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर आप जितनी भी जो सब प्रॉब्लम्स हैं उनका जो सॉल्यूशन है उनको आप क्या कर देते हैं एड कर देते हैं ओके okay. देन और रिलेशनशिप में आप क्या करते हैं जितनी भी आपकी सब प्रॉब्लम्स हैं उनमें से आप पर्टिकुलर एक सब प्रॉब्लम को यहाँ पर आप कंसिडर करते हैं ओके okay. तो यहाँ पर और के लिए तो कोई पर्टिकुलर सिंबल नहीं है एंड के लिए हम की यूज़ करते हैं जो कि डिफरेंट ब्रांचेस को कंबाइंड करता है ओके okay, इसको हम देखने वाले हैं तो एंड और ग्राफ में जो रियल लाइफ सिचुएशन है एग्जैक्टली exactly हम उनको देखते हैं कि जो रियल लाइफ सिचुएशन होती हैं समटाइम्स हम और के साथ देखते हैं कि मीन्स हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और सम टाइम्स हम देखते हैं कि हम प्रॉब्लम्स को जो सब प्रॉब्लम्स हैं उनको हम ऐड कर कर ही उसमें सॉल्यूशन को अचीव कर पाते हैं मींस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो एंड और ग्राफ इज़ यूजफुल फॉर प्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन ऑफ़ प्रॉब्लम्स दैट कैन बी सॉल्व बाय डिकम्पोजिंग इनटू अ सेट ऑफ स्मॉलर प्रॉब्लम्स तो ए स्टार एल्गोरिथम इज़ नॉट एडिक्वेट फॉर द एंड और ग्राफ ए स्टार में हमने सिर्फ और ग्राफ को देखा था यहाँ एयो स्टार एलोथम में हम एंड और ग्राफ देखेंगे अब ये थर्टिकल हमने देखा और इसके बाद हम एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्वायर टीवी सेट हमारा जो गोल है वो क्या है टीवी सेट को एक्वायर करना ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं ये एग्ज़ाम्पल यहाँ मैंने पर्टिकुलरली जो रिच एंड नाइट बुक है उसके साथ हमने यहाँ पर इसको रेफ़र किया हुआ है तो इसको आप एग्ज़ाम में भी आप इसको लिख सकते हैं देन गोल हमारा है एक्वायर टी वी सेट अब टी वी सैट को मुझे एक्वायर करना है तो अब इसके लिए अगर मैं देखता हूँ कि मुझे एंड और ग्राफ यहाँ कैसे मैं पर्टिकुलरली उसका इम्प्लीमेंटेशन देखूँ तो या तो सबसे पहले हमारे पास जो इधर दिया हुआ है कि गोल जो हमारा है एक्वायर करना है टी वी सेट को तो गोल क्या करें गोल में हम देखते हैं कि इस इसको हम स्टील कर लें टीवी सेट को क्या कर लें चुरा लें तो ये एक हमारा एक सीधा और सिंपल टास्क है दूसरा क्या है कि हम सबसे पहले मनी को अर्न करें देन टीवी सेट को बाय करें तो ये जो दो टास्क हो गई आपकी जो सब प्रॉब्लम्स में हमने डिवाइड कर दिया और यहाँ पर हमने क्या किया सीधा सीधा टी सेट को स्टील कर लिया तो अब आप यहाँ पर देखें जो एंड आर्क के थ्रू आपको बताया कि सब या तो सबसे पहले मनी को अर्न करें और उसके बाद टी सेट को बाय करें तो ये दो सब प्रॉब्लम्स को आपने यहाँ पर मर्च करके देन आप टी सेट को एक्वायर कर पाएंगे तो ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं ओके तो यहाँ पर अब हम देखें एक न्यूमेरिकल एग्ज़ाम्पल में इसको न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ हम देख लेते हैं अभी तक तो हमने देखा पर्टिकुलर एक ग्राफ जो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है हम न्यूमेरिकल एग्ज़ाम्पल के साथ हम देख लेते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर जैसे सेट दिया हुआ है ए और बी सी डी ओके देन यहाँ पर जो बी की जो कॉस्ट है वो आपकी फाइव है सी की जो थ्री है और फोर की है आपकी सॉरी डी की है आपकी फोर अब यहाँ पर हमने अभी सिंपली जो कॉस्ट है एजेस की वो हमने क्या मान ली है वन ये जो कॉस्ट होती है वन यहाँ पर आपको शो नहीं हो रही है बट हम इसको वन मान के एज्यूम करके चलते हैं तो ये जो कॉस्ट है आपकी ये आपकी आप ये मान के चलिए कि जो सब प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको जो उनकी पेरेंट प्रॉब्लम को मर्ज करने की कॉस्ट होती है तो उसके सिंपली हमने एज्यूम कर लिया है वन तो थ्री प्लस वन देन फोर प्लस वन तो ये जो टोटल जो आपका आएगा वो आएगा नाइन तो इसको हमने एंड आर्क में यहाँ पर बताया हुआ है ओके देन यहाँ पर हमारी जो पर्टिकुलर जो अभी जो कॉस्ट निकल के आ रही है एंड आर्क में ए में वो आके वो आपको मिल रही है नाइन ओके okay. देन यहाँ पर आपको जो कॉस्ट है मीन्स बी के साथ आप देखेंगे तो इसकी जो कॉस्ट होगी वो होगी आपकी सिक्स ठीक है ना देन यहाँ पर आप बात करें तो हम अभी जो मूव करें तो बी के साथ हम कर सकते हैं बिकॉज़ हमारी जो कॉस्ट अभी मिनिमम यहाँ पर आ रही है बी के साथ सिक्स फाइनली ए पर अगर हम देखें तो बी के साथ अगर जैसे हम मूव करते हैं इसको एक्सपेंड करते हैं तो ई e और एफ इसके जो चाइल्ड मिलते हैं तो उनकी को जो कॉस्ट है वो फाइव और टेन है देन फाइव और टेन फिफ्टीन देन वन वन हो गई आपके सेवनटीन ओके okay. तो ये कॉस्ट आपकी बी की जो अब क्या हो गई है सेवनटीन तो यहाँ कॉस्ट रिवाइज भी हो जाती है इसको हम अभी अभी एल्गोरिथम में देखेंगे ऐसे ही हम सी के साथ देख रहे हैं तो थ्री और फोर ये और वन वन मिलकर ये नाइन हो गए देन आपका फिफ्टीन आई और जे फिफ्टीन और टेन और ये जो डी की कॉस्ट हो गई आपकी ट्वेंटी सेवन दैन हम ये ट्वेंटी सेवन प्लस नाइन प्लस वन प्लस वन इनको जब मर्ज करते हैं तो ए की जो फाइनल कॉस्ट आ जाती है वो आ जाती है थर्टी एट तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर अगर मूव करें या जो हमारा जो सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं तो हम इसको ट्रंकेट कर देंगे सी और डी के साथ इसको हमको कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमको ये ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू यहाँ पर नहीं मिल रही है बिकॉज हम यहाँ बी के साथ मूव करने पर हमको एट्टीन जो वैल्यू मिलेगी उसके साथ हम यहाँ पर मूव करेंगे इसको हम देखने वाले हैं अभी एक एग्जाम्पल के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम यहाँ देख लेते हैं तो बिल्कुल इनिशियली आप यहाँ पर ध्यान देना सबसे पहले आप कोई भी स्टेप नहीं चले हैं आप हैं इनिशियली ए स्टेप मतलब ए नोड पर okay. then, आप ओके देन आप ए नोड पर हैं तो ये आप स्टेप बन भी अभी आप मूव कर रहे हैं देन आप यहाँ पहुँचेंगे आप सेकेंड फिगर को देखें सेकेंड फिगर मीन्स बिफोर स्टेप टू तो आप देखें ए के नोड को आपने एक्सपेंड किया स्टार्ट नोड को एक्सपेंड किया तो आपको बी सी डी ये नोड आपको मिले ओके देन बी की कॉस्ट क्या है थ्री सी की क्या है फोर डी की क्या है फाइव ठीक है तो थ्री प्लस फोर आपके सेवन और वन वन मिला के हो गए आपके नाइन तो अभी जो कॉस्ट आ गई आपकी पर्टिकुलर नाइन देन टी की अगर आप देखें तो फाइव प्लस वन तो ये कॉस्ट आपकी क्या हो गई सिक्स ओके तो अभी हम यहाँ कैसे मूव कर रहे हैं डी के साथ हम यहाँ पर मूव करेंगे इसको यहाँ पर एरो के साथ बताया गया है आप इसको यहाँ पर पर्टिकुलरली ध्यान देना जो मैं यहाँ पर अभी आपको बता रहा हूँ मीन्स यहाँ पर हम कौन सी वैल्यू के साथ मूव कर रहे हैं डी के साथ बिकॉज़ ये जो वैल्यू मिल रही है आपको सिक्स नेक्स्ट आप डी के साथ मूव जब आप कर रहे हैं तो अब आप, आप देखें बिफोर स्टेप थ्री तो डी के साथ जैसे ही आप मूव करते हैं तो इसके जो चिल्ड्रन है ई e और एफ़ ये क्रिएट हो गए देन ई e और एफ़ की जो कॉस्ट है वो है फोर और फोर तो फोर और फोर मिलके के एट दैन वन प्लस वन आपकी जो एजेस की कॉस्ट है मैंने आपको बताया एज्यूम करना है देन ये कॉस्ट आपकी मिलके हो गई टेन तो डी की जो ओवरऑल कॉस्ट निकली आपकी टेन निकल गया ही। तो जैसे ही टेन निकली तो आपको मालूम है ऑलरेडी हमारी जो ए पे ऑलरेडी जो कॉस्ट जो बिफोर स्टेप टू जो आपका फिगर है उसमें देखें आपकी नाइन है हम क्या करेंगे अभी हम इसके साथ मूव कर जाएंगे बिकॉज हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमको कम आपको दिख रही है मीन्स नाइन दिख रही है आपको ठीक है देन यहाँ पर हम मूव करेंगे इधर पर्टिकुलर बी और सी जो वैल्यू है आपकी तो जैसे ही हम बी में देखें हमारी जो थ्री वैल्यू है वो मिनिमम है तो हम इसके साथ आगे मूव कर रहे हैं देन बी के हम चिल्ड्रन एक्सपेंड कर रहे हैं तो G और H निकल कर आ यहाँ पर आ रहे हैं दोन G की वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ फाइव है देन H सेवन देन आपका ये जो वैल्यू है वो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो फाइव और सेवन यहाँ पर जो वैल्यू है ये ऐड हो जाएगी ओके बिकॉज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये और नोड है कौन सा नोड है ये और नोड है बी वाला जो नोड है वो है आपका और नोड बिकॉज यहाँ पर कोई भी आर्क नहीं दिया हुआ है ठीक है ना जहाँ आर्क ना हो तो वो कौन सा नोड कहलाता है और नोड तो यहाँ पर जी बी जो अचीव करेगा वैल्यू वो जी के साथ करेगा तो फाइव प्लस वन ये हो जाएगी सिक्स देन बी की वैल्यू सिक्स सी की वैल्यू फोर तो सिक्स प्लस फोर टेन देन वन प्लस वन ए की जो फाइनल वैल्यू आई वो आ गई ट्वेल्व जब जैसे ही ट्वेल्व आई तो हमारे को ये वैल्यू ज़्यादा लगने लगी तो हम फिर से हमने जो मूव किया है आप डी की ओर फिर मूव कर गए अब यहाँ जो बिफोर स्टेप फोर जो फिगर है उसको आप ध्यान दीजिए यहाँ पर जो नेक्स्ट जो मूव है लास्ट वाला जो मूव है वो हम डी के साथ अगेन दोबारा कर रहे हैं तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉस्ट रिवाइज हो रही है बार बार मीन्स आपको देख रहे हैं जो रूट नोड पर जो नोड है उसकी यहाँ पर कॉस्ट क्या हो रही है रिवाइज़ हो रही है तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पर एल्गोरिथम को पहले डिस्कस नहीं किया मैं यहाँ चाहता था कि यहाँ पर मैं आपको एल्गोरिथम पहले बताऊँ बट मैंने यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल एग्ज़ाम्पल के थ्रू ये स्टेप्स बताई हैं अब हमको आसानी रहेगी कि हम एल्गोरिथम को देखें और पर्टिकुलर इस मेथड को यहाँ समझेंगे तो इनिशलाइज किया हमने जी एसेट जी स्टार इक्वल टू एस एफ एस इक्वल टू एच एस देन एस और आपके जो जो टर्मिनल्स जो नोड हैं लेवल एस एस सॉल्व जितने भी जो टर्मिनल नोल्स हैं नोड्स हैं उनको हम सॉल्व नोड मान के चलते हैं देन क्या करते हैं हम टर्मिनेट करते हैं इफ़ एस इज सॉल्व देन टर्मिनेट अगर वो सॉल्व नोड है देन हम उसको टर्मिनेट की पोजीशन में देखते हैं देन हम सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट अ नॉन टर्मिनल लीफ नोड फ्रॉम द मार्क्ड सब ट्री इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ अभी देखने वाले हैं यहाँ पर मीस मार्क्ड मीस आप देख रहे हैं कि जितने भी एरो आप देख रहे हैं जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसके साथ आप क्या करते हैं सिलेक्शन करते हैं उसके साथ आगे बढ़ते हैं जो नॉन टर्मिनल लीव नोट्स हैं आपके टर्मिनल नोट्स की बात नहीं हो रही है देन एक्सपेंड करते हैं मेक एक्सप्लेसिड दक्सेसर ऑफ एन फॉर ई सक्सेसर न्यू सक्सेसर एम सेट एफ एम इक्वल टू एच एम जो भी सक्सेसर हैं आपके निकल रहे हैं अभी हमने देखे थे इस नोमरिकल एग्जाम्पल में जो हमारे सक्सेसर हैं उनके साथ हम मूव कर रहे हैं जो नॉन टर्मिनल नोड्स हैं इफ़ एम इज ए टर्मिनल देन लेवल एम इज़ सॉल्व अब ये टर्मिनल नोड्स क्या हैं इसको हम एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ देखने वाले हैं अभी दैन कॉस्ट रिविजन कॉल कॉस्ट रिवाइज एन यहाँ पर हम कॉस्ट रिवाइज को जो एल्गोरिथम है उसको हम कॉल करते हैं देन लूप गो टू स्टेप टू ओके देन कॉस्ट रिवीजन में हम देखते हैं क्रिएट जेड इक्वल टू एन इफ जेड इक्वल टू एम पटी देन रिटर्न सेलेक्ट नोड एम फ्रॉम जेड सच देट एम हैज नो डिसेंडेंट इन जेड यहाँ पर जो मेन जो जो स्टोरी है वो आप देख सकते हैं एंड और ग्राफ और जो सक्सेसर हैं तो एंड में हमको क्या करना है जितने भी हम उसके जो सब प्रॉब्लम्स हैं ये जितने भी जो उसके सक्सेसर हैं उनको आप मार्क कर देंगे एजेस को और उनकी जो कॉस्ट हैं उनको क्या करते हैं आप समेशन कर देते हैं उनका इसमें देखें सेट एफ एम टू समेशन एफ आर आई प्लस सी एम कॉमा आर आई ये तो आपकी हो गई एंड वाले नोड के लिए ऐसे ही और, और नोड के लिए जो सक्सेस और इसमें देखें तो और में से हम किसी भी जो मिनिमम वैल्यू है उसके साथ हम ऑप्ट करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने देखा था कि जो बी की जो वैल्यू है बी की वैल्यू में हमने देखा था कि जी और एच किसके साथ मूव करेगा जी के साथ मूव करेगा? करेगा और अगर एक की बात करते हैं तो यहाँ ये एंड नोड है तो बी और सी इनकी कम्बाइंड वैल्यू के साथ ये मूव करता है तो सिंपल सा एल्गोरिथम है मीन्स आपको एंड और ग्राफ को समझना होगा देन आप उसको आसानी से यहाँ पर उनकी वैल्यू को रिवाइज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर हम शुरुआत से फिर एक जो सॉल्व नोड की जो प्रॉब्लम है वो मैंने आपको बताई उसको हम देखते हैं कैसे हम सॉल्व नोड है सॉल्व नोड को हम डबल एन सर्कल नोड के साथ बताएंगे अभी देखने वाले हैं तो यहाँ पर देखें शुरुआत में आपके पास जो भी प्रॉब्लम है तो उसमें आप देखते हैं कि एच इक्ल टू सेवन आपकी कॉस्ट अभी इनिशियली आपने एज्यूम की ओके okay. देन आप इसको एक्सपेंड करेंगे एक्सपेंड करेंगे तो आपने देखा कि ये एंड नोड है तो पर्टिकुलरली आपने एक्सपेंड किया तो फिगर वन से हम फिगर टू की ओर मूव कर रहे हैं तो इसी पेज पर आप इस स्लाइड में आपको दोनों फिगर दिए हुए हैं फिगर वन में इनिशियली आप सिर्फ एंड नोड स्टार्ट नोड पर हैं देन फिगर टू में देखें आप तो आपके जो नोड हैं वो ए और बी आपको इधर देख रहे हैं जो सब प्रॉब्लम्स हैं देन ए की कॉस्ट को मैंने यहाँ एज्यूम कर लिया टू अभी तक वैसे मैं वन ही कहता चला रहा हूँ बट यहाँ पर हम एजूमशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ हमने मान लिया टू ओके देन बी की जो मर्जिंग की कॉस्ट है वो यहाँ वन मान ली देन इनकी जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है वह एच इक्ल टू थ्री बी की और ए की है जो एच इक्ल टू फोर देन आप देखें तो अब ये जो वैल्यू जैसे ही एक्सपेंड हुई इनिशियली हम सेवन मान रहे थे अब तो हम यहाँ कॉस्ट रिवाइज कर रहे हैं तो देन फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन इक्वल टू हो गई सेवन तो ये यह कॉस्ट यहाँ पर रिवाइज हो गई अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके आगे की बात कर रहे हैं ओके okay, देन हम यहाँ थ्री के साथ मूव करेंगे बिकॉज ये लोएस्ट वैल्यू है थ्री को जैसे ही हम मूव करते हैं ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ हम माना ये और नोड है ओके देन यहाँ पर हमने आपने मूव किया हुआ है तो एच इक्ल टू नाइन एच इक्वल टू सेवन ये दो नोड यहाँ पर इसके सब प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर कॉस्ट या हमारी जो जैसे जैसे हम एक्चुअली में हमारा शुरुआत में क्या होता है प्रॉब्लम में हम देखते हैं कि कोई भी बड़ी टास्क को हम कंप्लीट करते हैं तो शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारी कोई जो कॉस्ट है वो हमको उतना अंदाज नहीं रहता है जो हमारी कॉस्ट है वो हमारा एक प्रोडिक्शन होता है कि इतनी कॉस्ट हमारी जैसे जैसे हम सब प्रॉब्लम्स में तोड़ते हैं उसको डिवाइड करते हैं डिकम्पोज करते हैं तो हमको देखते हैं कि कॉस्ट हमारी रिवाइज़ हो रही है बढ़ती चली जा रही है तो इसको हम यहाँ देखें तो एच इक्ल टू नाइन एच इक्ल टू सेवन ओके तो ये कॉस्ट यह, यहाँ पर हमने डबल सर्कल जो नोड्स हैं इनको हमने मानना है कि इसके आगे हम अब आगे नहीं बढ़ेंगे ये हमारे टर्मिनल नोड हैं ओके जो मैं आपको बता रहा था कि जो सॉल्व नोड है ये सॉल्व नोड है इनके आगे आप नहीं बढ़ने वाले हैं दैन एच इक्वल टू नाइन और सेवन तो इसमें से और नोड है तो और नोड है तो आप बेसिकली यहाँ पर आप एक ही नोड सेलेक्ट करेंगे तो सेवन प्लस ज़ीरो तो एच इक्ल टू जो थ्री था बी नोड इसकी जो कॉस्ट क्या हो गई थ्री से रिवाइज हो गए सेवन हो गई और सेवन रिवाइज हुई तो ऊपर जो फाइनल नो जो नोड है स्टार्ट नोड वहाँ पर देख सकते हैं आप सेवन प्लस वन प्लस टू ये आपका फोर प्लस टू तो ये आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर हो गई आपकी फोर्टीन रिवाइज होकर फाइनली ऊपर आप देखें जो स्क्वायर ब्लॉक्स में आपको जो वैल्यू दिखाई दे रही है ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर यह हम इधर ये फिगर थ्री हमारा हो चुका है नेक्स्ट हम फिगर फोर पर मूव कर रहे हैं तो जैसे ही ये आपका वैल्यू आपकी एच इक्वल टू थ्री से ये सेवन हो गई तो हम यहाँ पर जो नेक्स्ट मूव है वो हम क्या करेंगे इसके लेफ्ट और मैंने यहाँ पर एरो लगाया हुआ है हम जो एच इक्वल टू फोर नोड है उसकी ओर हम मूव कर जाएंगे बिकॉज हमको ये ऑप्टिमिस्टिक नहीं लग रहा तो हम फोर की ओर मूव करते हैं तो फोर की ओर मूव करते हैं तो ये भी और नोड है जिसको हम इसमें डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर जो हमको जो नोड है एच इक्ल टू टू सी नोड और एच इक्ल टू फाइव यो डी नोड तो इसको हमने क्या किया इसको हमने यहाँ पर पर्टिकुलरली या और नोड हम कह रहे हैं तो इसमें से हम किसी एक नोड पर ही ऑप्ट करेंगे एंड तो हमने एच इक्ल टू टू को यहाँ पर लिया ओके okay, तो देन टू प्लस टू ये फोर है अभी इनिशियली वैल्यू नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही इसको टू को एक्सपांड करते हैं तो हमको यहाँ पर एच इक्वल टू थ्री आप बिल्कुल लास्ट में देखें सी नोड का जब एक्सपेंशन कर रहे हैं देन एच इक्वल टू आपकी टेन देन आपकी जो सी नोड की जो वैल्यू है टू से क्या हो गई आपकी बिकॉज ये एंड नोड है तो टेन प्लस जीरो प्लस वन प्लस थ्री ये हो गया आपका फोर्टीन और जो आपकी जो कॉस्ट है ऊपर रिवाइज होके जो ए नोड की कॉस्ट है वो फोर से क्या हो गई फोर्टीन प्लस टू इक्वल टू सिक्सटीन हो गई तो इस तरीके से ये कॉस्ट रिवाइज हो गई यहाँ पर तो अब आप आपको जैसे ये ही ये कॉस्ट रिवाइज हुई तो आपको ये नोड ऑप्टिमिस्टिक नहीं लग रहा है बिकॉज आप इसके साथ आपकी कॉस्ट क्या हो रही है हाई हो रही है देन हम क्या करें डी के साथ यहाँ मूव करेंगे तो नेक्स्ट डायग्राम में हम देखें इसमें ये हमारे पास जो ए नोड है देन हम यहाँ पर जो डी नोड है पर्टिकुलरली जो एच इक्ल टू फाइव है उसके साथ हम यहाँ मूव करेंगे देन हम इसको यहाँ पर्टिकुलर जो वैल्यू है सिक्सटीन से तो यहाँ पर जो फाइव प्लस वन ये वैल्यू हो गई आपकी सिक्स देन हम इसको एक्सपेंड करके देखते हैं एंड नोड है बेसिकली तो यहाँ पर जब हम एक्सपेंड करते हैं तो इसको एच इक्ल टू थ्री और एच इक्ल टू फोर इसके सब नोड्स आपको या सब प्रॉब्लम्स आपको दिख रही हैं देन इनकी जो प्रॉब्लम है जीरो प्लस जीरो तो जो इसकी जो मर्जिंग की कॉस्ट है यहाँ पर तो थ्री प्लस फोर थ्री प्लस फोर इक्वल टू आपके हो गए सेवन जो आपके पर्टिकुलर जो डी नोड है यहाँ पर जो कॉस्ट आई है वो आपकी हो गई सेवन देन सेवन ये वैल्यू आपको ऊपर मर्ज होके जाएगी ए नोड पर तो ये सेवन प्लस वन हो जाएगा एट ओके देन जैसे ये एट हुआ देन एट आपकी फाइनली जो स्टार्ट नोड है तो एट प्लस टू कितना हुआ टेन देन आपके टेन और इधर आपकी जो बी नोड की वैल्यू है वो ऑलरेडी सेवन आप फाइंड आउट कर चुके हैं तो सेवन प्लस वन ये आपकी फाइनल जो ऑप्टिमिस्टिक जो वैल्यू है वो आपकी आ रही है एट्टीन ओके okay, तो ये एट्टीन वैल्यू आपकी बेस्ट कॉस्ट अभी तक निकल कर आई तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम कॉस्ट को रिवाइज करते हैं और फाइनली यहाँ पर हम देखें तो हमारे जो जितने भी जो डबल सर्कल नोड्स हैं वो सोल्ड नोड हैं बेसिकली यहाँ जो मेरा मोटिव था वो सॉल्व नोड को बताना था बिकॉज हम ऑलरेडी एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कर चुके हैं ये यह एग्जाम्पल यहाँ मैंने जो सॉल्व नोड को प्रॉब्लम्स हैं मी सॉल्व नोड क्या होते हैं उनको डबल सर्कल नोड्स के साथ हम डिनोट करते हैं इसलिए यहाँ पर ये मैंने आपको समझाया देन आप देख सकते हैं कि फ़ाइनली जो कॉस्ट आपकी निकल के आ रही है वो आ रही है एट्टीन तो इससे आगे हम अब यहाँ नहीं जा सकते हैं बिकॉज़ हमारे सारे नोट सॉल्व हो चुके हैं जो टर्मिनल नोट्स हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने कैसे कॉस्ट uh, रिविज़न का यहाँ पर यूज़ किया उसको कॉल कर कर सो देर आर स्टूडेंट इफ़ेक्टिव लर्निंग आउटकम्स तो यहाँ पर जो मेन जो आउटकम्स हैं हम बात करते हैं तो स्टूडेंट लर्न अबाउट द प्रॉब्लम रिडक्शन कैसे हम एक बिग प्रॉब्लम को एंड और ग्राफ के थ्रू उसको उसको स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर कर उसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर कर हम फाइनली जो बिग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अचीव करते हैं देन स्टूडेंट नोज अबाउट द प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन टेक्निक्स तो हाउ टू डिकम्पोज द बिग प्रॉब्लम इन टू स्मॉल प्रॉब्लम्स So, these are some references. Students, uh, here we end the lecture for the Endor graph or A star algorithm. So, thank you. Have a nice day.